तुम्हारी तो कोई इज्जत नहीं है इस घर से जाने के बाद, लेकिन मेरे खानदान का नाम है, मेरा नाम है, इज्जत है, वकार है। तुम जाओ उसी औरत के पास, जिसकी वजह से तुम अपनी मां को छोड़ के गए थे रोता, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। तुम ठीक हो? मम्मा चली गई। कहाँ चली गई? मम्मा मुझे छोड़ के हमेशा के लिए चली गई। लो, ये भी कोई शादी हुई? इतनी सादगी से कौन शादी करता है? मैं तो कभी नहीं करूं। मानूर के बाबा की तबीयत बहुत खराब थी, उनकी ख्वाहिश थी कि मानूर की शादी उनके सामने ही हो, इसलिए जल्दी जल्दी में इतनी सादगी से की। मामू का बेटा है, इसी से हुई है। निदा, वैसे बहुत बुरी बात है इस तरह किसी के बारे में कहना, तुम्हारी हो गई ना फिर पता चलेगा। इस बात पे तो मैं कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। भाई, शादी जिंदगी में एक बार होगी, और इतनी सी मजबूरी की वजह से इतना अहम दिन बर्बाद कर दूं? नेवर। मेरी शादी ना बहुत धूमधाम से होगी, तुम सब देखते रह जाओगे। अच्छा, मुझे पिक्चर दिखाओ। ये तुम्हारी मुंह दिखाई, देखूंगी नहीं? सॉरी, ये घड़ी इतनी महंगी या कीमती तो नहीं, मगर मेरी जो हैसियत है उसके लिहाज से यही कर पाया। आई नो तुम्हारे ख्वाब कुछ और थे और मेरे ख्वाब कुछ और, दोनों ही तामीर तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन अगर तुम और मैं मिलकर एक साथ ख्वाब देखेंगे ना, तो वो तामीर तक जरूर पहुंचेंगे। मुझे तुमसे ये उम्मीद थी। Thank you.
अस्सलाम वालेकुम अंदलीब। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप भाभी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बस थोड़ी देर में आ रही हूँ नाश्ता लेके। अरे किसके लिए नाश्ता ला रही हैं? अरे तुम लोगों के लिए, ये तो रिवाज है ना। मैं निदा को फोन कर रही थी, वो उठाई नहीं रही है। वो सब तो ठीक है भाभी, लेकिन निदा तो अभी तक उठी नहीं है। और मैं तो सुबह सवेरे उठकर अपना नाश्ता कर चुकी हूँ, रेहान भी अस्पताल चले गए, अब अल्लाह जाने कब ये उठेंगे, कब नाश्ता होगा। अच्छा निदा तो काफी जल्दी उठ जाती है। मैंने भी यही सुना था, लेकिन देखने को कुछ और मिला है। खैर जब इनकी नींदें खत्म होंगी तो मैं आपको बता दूंगी। अच्छा ठीक ठीक, खुदा हाफिज़। कुछ तमीज नहीं सिखाई बेटी को, भेज दिया है। एहसन, 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 दरवाजे पे कोई है? मैं देखता हूँ। जी अम्मी। टाइम देखा है? क्या क्या टाइम हो रहा है? 11 बज रहे हैं। 11 बजे शरीफ घरों की लड़कियां ये फिक्र कर रही होती कि दिन को खाना क्या पकाना है, ये कोई तरीका है? मैं कल शादी हुई हमारी, इसलिए देर हो गई है, और मैं बच्चा थोड़ी हूँ, क्या मेरे उठने बैठने पर नजर रखेंगी? मेरे मरते दम तक तुम मेरे ही बच्चे रहोगे, और किसी और को मैं तुम्हारी माँ नहीं बनने दूंगी। क्या क्या कहना क्या चाहती हैं? जाहिर सी बात है, अब तो तुम्हें मेरी बातें भी नहीं समझ आएंगी। साफ साफ बताएं क्या कहना क्या चाह रही हैं। मुंह हाथ धो और बाहर आओ, बात करनी है जरूरी। अच्छा अमीन किसे बुला रही हैं? मैं फ्रेश होकर आता हूँ, फिर एक साथ चलते हैं, ठीक है? शेर, मुझे आंटी का बहुत अफसोस है। एक अफसोस ही तो है मेरे पास करने के लिए।
मम्मा की जिंदगी में कुछ कर तो पाया नहीं उनके लिए। बस अब सारी उम्र अफसोस ही करूंगा। तसल्ली नहीं चाहिए मुझे, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मुझ जैसे इंसान यही डिजर्व करते हैं। बहुत तकलीफें दी है ना मैंने लोगों को, वो सब शायद मेरी बारी है। मैं ऐसी लायक हूं कि मुझे मां के जनाजे में ना शरीक होने दिया जाए, धक्के मार कर बाहर निकाल दिया जाए। अपना किया भुगत रहा हूं, अपना किया भुगत रहा हूं। शमशेर मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए मुश्किल वक्त है, लेकिन वक्त गुजर जाएगा। तुम क्यों तरस खा रही हो मुझ पर? तुम्हारी जिंदगी भी तो जहन्नम बना दी मैंने। वैसे काबिल हो, मेरी सजा मैं अकेला भुगतूंगा। तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ देता हूँ। आज तुम्हारा पहला दिन है। नहीं ठीक है, मैं कल चली जाऊंगी, कोई मसला नहीं। नहीं, तुमसे कह रहा हूं ना, मेरा गुनाह है, सजा भी मैं अकेले ही भुगतूंगा। तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं। ऑफिस जा रहे हो? नहीं, पहले कब्रिस्तान जाऊंगा। मम्मा का आखिरी दीदार तो किसी ने करने नहीं दिया। कब्रिस्तान जाने से कोई नहीं रुक सकता मुझे, उसके बाद ऑफिस जाऊंगा। ये क्या है? खाने को है कुछ, तुमने नाश्ता भी नहीं किया था, भूख लगे तो खा ले। तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। मुझे जो ठीक लगा मैंने वो किया, तुम्हें जो ठीक लगेगा तुम वो कर लेना। डस्टबिन पड़ी होगी सामने कहीं, अगर भूख ना लगे तो फेंक देना उसे। मैं फ्री होकर कॉल कर दूंगी, अगर हो सके तो आ जाना, वरना मैं मैनेज कर लूंगी। Thank you.
आप क्यों चली गई मम्मा? मुझसे मिले बगैर क्यों चली गई? एक बार तो आवाज दी थी, एक बार तो पुकारा था, मैं मिलने आया था आपसे। बाबा साहब ने मिलने नहीं दिया, मैं कैसे जीऊंगा इस बोझ के सहारे कि मैं मरते वक्त अपनी माँ का चेहरा भी नहीं देख सका। यूं नहीं जाना चाहिए था आपको, इतना कुछ ना जो आपको बताना था। अभी अपनी हासिल की हुई छोटी छोटी खुशियां आपकी गोद में सर रखकर सारी खुशियां शेयर करनी, मैं बदल गया हूं मम्मा। आपका शमशेर सुधर गया है, तो मैं भी मुझसे खुश है, लेकिन मेरे साथ कोई नहीं है, मेरे पास कोई नहीं है जिसके साथ मैं अपनी खुशी बांट सकूं, कोई नहीं मिलता मुझसे। आपका शमशेर अकेला रह गया मम्मा, सबने अकेला छोड़ दिया मुझे। घर जाने की जल्दी है क्या? नहीं सर, कोई खास तो नहीं, कोई काम है तो बताइए मुझे। हाँ वो सामान का ट्रक आ रहा है, एक मजदूर कम है, 900 रुपए दिहाड़ी मिलेगी, एक घंटे का काम है, सामान उठा के गोदाम में रखना। मिस महक, आपको बॉस बुला रहे हैं। अच्छा, थैंक यू। मैं कम इन सर। जी आइए। जी सर, आपने मुझे बुलाया था। आप फर्स्ट डे ही लेट? जी वो आई एम सॉरी, असल में आपकी रिकमेंडेशन हमारे बेस्ट परफॉर्मर ने की थी, इसलिए आपकी हायरिंग की गई, मगर जॉब्स रिकमेंडेशन पे नहीं चलती, परफॉर्मेंस पे चलती है। जी सर, आइंदा ख्याल रखूंगी। रोज सुबह मॉर्निंग मीटिंग होती है ठीक 9:30 बजे, उम्मीद करता हूं कि आप उसमें मौजूद हुआ करेंगी। जी सर डेफिनेटली, अब आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आप एचआर से बायोमेट्रिक के लिए फिंगरप्रिंट्स करवा लें और फिर मिस नौशीन से मिल लें, चंद रोज आप
उन्हीं के साथ अटैच रहेंगी। यस सर। आप जा सकती हैं। यस सर, थैंक यू। क्यों भाई, आज पहले ही दिन देर कर दी? सर मजबूरी थी। ऐसी भी क्या मजबूरी थी, नया नया काम है तुम्हारा, आधे घंटे पहले आ जाना चाहिए था तुम्हें, 3 घंटे लेट हो पता है तुम? सर मैं आइंदा ख्याल करूंगा। देखो यार, मैं यहाँ खुद भी मुलाजिम हूँ, आइंदा देर से आए तो तुम्हारी तनख्वाह कट जाएगी। ठीक है सर। वैसे देर से आने की वजह जान सकता हूँ? सर मेरी बाइक खराब हो गई थी। ये तो इस सदी का सबसे पुराना बहाना है, कुछ नया सोचो। जी सर। ऐसा करो तुम काउंटर पे जाओ, आज तुम्हें 3 घंटे से ज्यादा काम करना पड़ेगा, ठीक है? जी सर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अम्मी आपने कोई बात करनी थी? तुम जाओ, मैंने निदा से अकेले में बात करनी है। ऐसी क्या बात है जो मेरे सामने नहीं हो सकती? जितना कह रही हूँ उतना करो, जाओ। बैठो। टाइम क्या हो रहा है? टाइम क्या हो रहा है? एक बज रहा है। देखो नेता, ये मेरा घर है, यहां पर मेरे असूल चलते हैं और तुम्हें मेरे असूलों को अपनाना होगा। अल्लाह के फजल से यहां सुबह सुबह को होती है और ये पूरा पूरा दिन सोया नहीं जाता। जी चाची, मुझे भी कोई शौक नहीं है देर तक सोने का। रात को सोते हुए देर हो गई थी इसलिए सुबह देर से आंख खुली। और मैं वैसे भी अम्मी का वेट कर रही थी, उन्होंने कहा था कि वो नाश्ता लेकर आएंगे। मुझे तो कोई भाभी नजर नहीं आ रही और ना ही उनका लाया हुआ नाश्ता। शादी जैसे भी हुई सो हो गई। अब तुम इस घर की और मेरी बहू हो, घर को घर समझो। किचन में जाओ, मैं आ रही हूं। किचन वहां है। हाँ, वो मेरे ऑफिस का टाइम खत्म हो गया, तो तुम लेने आ सकते हो? तुम कितना देर इंतजार कर सकती हो? ओ नवाब जाने, बिल कर लो भाई। इतना टाइम नहीं है मेरे पास, जल्दी जल्दी आ चलाओ। मैक, मैं नहीं आ पाऊंगा, तुम टैक्सी करो। अच्छा ठीक है, वो
4,250 मिला। और ये सामान कौन पैक करेगा? ये मैं कर दूँगा। अरे एक केचप और सर्फ एक साथ क्यों मिक्स कर रहे हो? न जाने कहां कहां से आ जाते हैं। दूर क्यों रहे हो भाई? ₹4,250 है, ₹50 तुम रख ले। सर, हाँ, ये आज का कैश है और ये काउंटर की चाबी है। कल टाइम पे आओगे? जी सर। तो फिर ये चाबी अपने पास रखो। सर मैं रखूं? जी। सुनो। जी सर। घर जाने की जल्दी है क्या? नहीं सर, कोई खास तो नहीं, कोई काम है तो बताइए मुझे। हाँ, वो सामान का ट्रक आ रहा है, एक मजदूर कम है, 900 रुपए दिहाड़ी मिलेगी, 1 घंटे का काम है, सामान उठा के गोदाम में रखना। समय कर दो। ठीक है, फिर जाओ। साहब, आप नजरे अनायत करें, 4 साल हो गए मुझे यहां पे, अब एसएचओ की पोस्ट पे आप थोड़ा सा मेरा रैंक बढ़वा दें तो अच्छा होगा। आप बात कीजिए। मैं बाहर हूं। जी तो चाहता है कि तुम्हारी खाल खींच लूं। जो गलती तूने की है उसका बहुत बड़ा नुकसान चुकाना पड़ रहा है मुझे। माजरा चाहता हूं मालिक,
आपका काम नहीं कर सका मैं। ये काम तो मेरे पीछे खड़े आदमियों में से कोई भी कर सकता था। लेकिन तुमसे इसलिए करवाना चाह रहा था क्योंकि तुम एक मरतबा पहले भी कोशिश कर चुके। बच्चा तुम्हारा मर चुका है, बीवी बाकी, वो भी कल परसों किसी हादसे का शिकार हो सकती है। इस लड़की की मौत के साथ जिंदगी जुड़ी है तुम्हें, जीना चाहते हो या मरना चाहते हो तुम्हारे हाथ में। सोच लो अच्छी तरह, सोच लो। आ जाओ। हाँ, हो गई अनलोडिंग? जी सर, आप चल के देख लें। नहीं, मैंने सीसीटीवी पे सब कुछ देख लिया। एक मिनट, ये तुम्हारा। सर 100 रुपए नहीं है मेरे पास। कोई बात नहीं, मेरी तरफ से रख लो, तुमने बड़ी मेहनत की आज। थैंक यू सर। हाँ मैं बस आ रहा हूँ। ओके। बीवी है घर पर? जी सर। माँ बाप के साथ रहते हो? नहीं सर, अकेला रहता हूँ। क्यों, माँ बाप का इंतकाल हो गया? ये समझ ले, ऐसे ही कुछ समझो। मतलब सर, माँ का इंतकाल हो गया और बाप के लिए मैं मर गया। शेर, बहुत देर कर दी आज घर आने में। हाँ, ऑफिस में काम ज्यादा था आज। ऑफिस में? हाँ ऑफिस में। तुम्हारी शर्ट क्यों इतनी गंदी है? बाहर मिट्टी बहुत उड़ रही है, मेरा ख्याल इस वजह से हो गई होगी। अच्छा, भूख लगी है? खाना लगाऊं? हाँ, अगर बनाया तो खा लूंगा। चलो तुम चेंज कर लो, मैं लगाती हूँ।
तुम्हें से एक बात पूछूं? पूछो। तुम कहाँ नौकरी करते हो? एक ग्रोसरी स्टोर है, वहां करता हूँ। क्या करते हो वहां? काउंटर पे खड़ा होता हूँ। आज एक मजदूरी की जॉब थी, वो भी की थी वहां। पहले झूठ क्यों बोला था? पता नहीं। और कितने झूठ बोले? हाँ, बहुत सारे झूठ बोले, सब मुझे ठीक से याद नहीं है। तुम्हें मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि अपना सच में सुनना नहीं चाहता। अपने सच के बारे में सोचता हूँ ना तो मुझे खुद से नफरत होने लगती है। लेकिन ठीक है, मेरे साथ ऐसे ही होना चाहिए था, इसी लायक हूँ मैं।